2 नवंबर को रात्रि में घर लौट रहे सराफा कारोबारी राजीव वर्मा के ऊपर हुई फायरिंग का आज एसपी क्राइम नैनीताल डॉक्टर जगदीश चंद्रा ने खुलासा कर दिया है। 2 मोटरसाइकिल सवार अज्ञात बदमाशों ने जान से मारने की नीयत से ज्वेलर्स के ऊपर फायर झोंक दिया था। मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस ने आरोपियों की तलाश तेज कर दी। एसएसपी नैनीताल पंकज भट्ट ने सराफा कारोबारी के साथ हुई रंगदारी और फायरिंग करने वाले मुख्य आरोपी मनोज अधिकारी और अन्य आरोपियों को तत्काल गिरफ्तार किए जाने के लिए निर्देशित किया था। इस घटना में मुख्य आरोपी मनोज अधिकारी, गुरदीप सिंह, देवेंद्र सिंह, रमन कपूर संलिप्त थे। सराफा कारोबारी से हुई फायरिंग में फरार चल रहे दोनों आरोपियों को पिछले दिनों 4 नवंबर को उधम सिंह नगर और नैनीताल पुलिस की टीम द्वारा गुरदीप सिंह, देवेंद्र सिंह को पुलभट्टा बरा सितारगंज से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। बाकी फरार चल रहे आरोपियों को गिरफ्तार किए जाने के लिए पुलिस टीमों द्वारा उधम सिंह नगर, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, नेपाल दबिश दी गई, जहां फरार चल रहे 20,000 के इनामी मुख्य आरोपी मनोज अधिकारी को रामपुर रोड बेलबाबा के पास से आज गिरफ्तार किया गया है। पूरे मामले में एक आरोपी रमन कपूर उर्फ जिम्मी अभी फरार चल रहा है। राजीव वर्मा और पंकज वर्मा पे जो फायरिंग का आरोपी मुख्य अभियुक्त मनोज अधिकारी, जिस पे कि नैनीताल पुलिस के द्वारा 20,000 रुपये का इनाम घोषित किया था, उसको आज गिरफ्तार किया गया है। पुलिस की कई टीमें इसमें लगी हुई थी। इसको आज बेलबाबा के पास से गिरफ्तार करने के बाद माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। जो घटना का कारण इसके द्वारा पूछताछ में बताया गया कि इसकी कोई पुरानी रंजिश थी, जिसके कारण ये इसको बार बार धमकी दे रहा था, और चूंकि एक पहले की एक एफआईआर थी जिसमें ये जेल गया था, और उसको सेटल करने के लिए भी इसने पैसे की इससे मांग की थी। पुलिस की कई टीमें हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, नेपाल तक गई, और उसके बाद आज इसको गिरफ्तार कर लिया गया है। दोस्तों, हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप इसको YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए और हमारे पेज को फॉलो करें। नमस्कार।